लक्ष्मी अग्निहोत्री? हाँ। सुबह सुबह झूठ बोलने को मई मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओ, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट है तुम्हारा? पोस्टल डिपार्टमेंट बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है, मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब, मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू सर एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे, और तुम जनता का जोखिम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहा कि ये मुसीबत गले पड़ गई है। आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे है कि नहीं? इस बात के भी कई पहलू हैं। मान लो कि मैं ये कहूँ कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं है बल्कि घर खाली करके चली गई है, तो तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापस कर देंगे? हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापस नहीं करेगी? नहीं। ये तो फांदेबाजी। जिन्हें हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो, ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए जैसे बैंक वाले देते हैं। मतलब एक ही देश में, एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग। हैं? खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे। पोस्टमैन हो, पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ। लक्ष्मी, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला? सवाल मत करो, इससे पहले के पोस्टल डिपार्टमेंट की नियत फिर जाए पैसे ले लो। पोस्टमैन जी, पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? मान लो अगर मैं ये कहूँ कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है तो? तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति है? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही हैं इनके साथ? आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए। बहन जी अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते, मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन ही गला घोट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे इस उम्र में? शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय लोगों की चिट्ठियाँ बांटते फिर रहे हो। चलो भागो नहीं तो यही मरोगे। चलो जाता हूँ। क्या कमला टीवी हॉस्पिटल रोड, ये कमला कौन है? खुशी याद नहीं। अरे हो सकता है तुमने किसी के घर में खाना पकाया हो, उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा। अब उनकी जमीन ने उनकी आत्मा को जगाया होगा, उनकी आत्मा ने उनके मुंह पे जूता लगाया होगा, तो शर्मिंदा होकर उन्होंने पैसे भेज दिए होंगे। ध्यान रख दो। बताओ खाना पकाने वालों के मनी ऑर्डर आ रहे हैं, क्या होगा इस दुनिया का? ये दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पता इन लोगों के हिसाब का जरा बिल तो बनाई दो, और तुझ जैसा जो भी आए उसका मुफ्त में हिसाब किताब कर दिया करूं। ये ले शारदा का बिल, ये प्रताप का बिल, जाओ घंटी बजाओ और वसूल कर लो। जी बाबूजी, जी। कौन है भाई? बिजली, तुझे कितनी बार मैंने ताकीद की है कि जब सुबह कपड़े लेने आया कर तब मेम साहब को जगाया कर, और जब शाम को कपड़े देने आया कर तब मुझे बुलाया कर। हाँ हाँ जानत है बाबू जी, जानत है। हमरी याददाश्त के धोबी खाट पर सब छपा हुआ है, मगर तुमको इसलिए बुलाया है कि आज कोई ऐसन वैसन सुबह नहीं, आज तो 2 तारीख है, 2 बिल चुकाने का दिन। अरे हाँ हाँ अच्छी तरह याद है, 2 तारीख की तरह बिल चुकाना, लेकिन ये सारे के सारे बिल तुम मेरे हाथ में क्यों थमारी है? मुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मैं सिर्फ अपना बिल दूंगा, बाकी के बिल तुम्हें सब दिया। अरे ठीक है, इमा भट्टी के कोयले की तरह लाल होने की क्या जरूरत है? तुम अपना बिल चुकाई क्यों, उनका बिल हम ले लेंगे। बीबी जी बिल क्या है आप अपने बिल में झांकिए। झांकता हूँ, ये बिजली तुम्हारे पैसे। अच्छा बाबूजी, ये मेरा नहीं है। है? अरे बिजली मेरा बिल इतना कैसे बढ़ गया? हाँ क्या कल सुबह आकर ले जाना। अरे बीबी जी, ये बिल ये मेरा नहीं है। अरे बीबी जी, ए लियो कपड़ा ई के घर का धुला था और बिल देने को कौन तैयारी नहीं। बाबूजी का अखबार बाजत हो? नहीं, पहली क्लास की परीक्षा देनी है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बाबूजी
हम तुमका एक और तकलीफ देने आए हैं। तुम्हारा बेटा तो अपना बिल दे दिया, बहू ने बिल देने के लिए कल बुलाया है, मगर बाबूजी बाबूजी ये जो बिल है ना, इसको चुकाने का कोई नाम ही नहीं लेवत। जाहिर बात है, बेटे ने सोचा होगा कि बाप रिटायर होकर बैठा है, उसके सर पे थोप दो। ला बिल्ला, मैं अभी फैसला करता हूँ। जी बाबूजी। क्या है पिताजी? आप और ये बेल? बेल नहीं, बिल। कौन सा बिल? ये मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? दिन रात नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हो। 8 साल पहले तुम दोनों की शादी हुई थी, ये मालूम है। तुम दोनों मियां बीवी हो, ये मालूम है। 5 साल की तुम्हारी एक बच्ची है, ये नहीं मालूम। और वो बच्ची सीमा घर की सीमा से बाहर हॉस्टल में रहती है, ये भी नहीं मालूम। अरे कुछ दिन पहले वो बच्ची अचानक तुम दोनों को मिलने के लिए आई थी, जोरों की बारिश हो रही थी, सर से पांव तक भीगी हुई थी, और वो भीगे हुए कपड़े मैंने धुलने के लिए दिए थे, ये तो मालूम है। सॉरी पिताजी, मैं जरा भूल गया था। किसको? बिल्कुल, या बच्ची को? तेरे मेरे के चक्कर में दुनिया ऐसी फंसी है कि अपनी असलियत भूल गई। मैं जानता हूं कि दोनों नौकरी क्यों करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में, लेकिन उस मासूम बच्ची को हॉस्टल में दाखिल करवा देना, उसके बाद उसे भूल जाना, ये कहां का इंसाफ है? बिचली तू बता, जब एक गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो कितनी दीवानी हो जाती है, इसलिए उसका दिल बहलाने को उसके सामने घास का बछड़ा बना के रख दिया जाता है, ताकि वो उसके गम में मर ना जाए। लेकिन बिचली तूने कभी जिंदा बछड़े को भुला देने वाली दो घास की गायों को देखा है? नहीं। तो अब देख ले। प्रताप और शारदा मिलकर ऑफिस जाते हैं, दोनों मिलकर घर बार चलाते हैं, दोनों मिलकर कमाते हैं, दोनों मिलकर खर्च करते हैं, लेकिन ये मत पूछिए कि दोनों मिलकर सुखी हैं या नहीं। झटके क्यों मार रही हो? बाल धोए है ना, इसलिए। खुशी की बात है। नाश्ता तैयार करो। शुभम शुभम। क्या बनाऊं, कीमा या ऑमलेट? खिचड़ी। मिर्ची की चटनी या खोपरे की चटनी? अचार। आम का या नींबू का? मिर्ची का। और सुनो, साथ में दाल। मूंग की या मसूर? चने की, चने की। सुनो सुनो, कहाँ जा रही हैं आप? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुर्ता दे दो ना। कौन से रंग का, सफेद या नीला? क्रीम। ये लो। कुर्ता ले आई। गुड गुड गुड। बाजार जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। खुशी की बात है। तो आते वक्त सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए फूल ले आऊं। शुभम शुभम। तो फूल कौन से ले आऊं, चंपा या गुलाब? चमेली। फूल लाने के लिए कह रही हूँ। भाई ये भी तो पूछ सकती हो कि क्यों रे, किस खुशी में? क्यों रे, किस खुशी में? दरअसल गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी। सीता, आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, सभी बच्चे अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए 2 महीने के लिए मेरी ट्यूशन की दुकान बंद। अब दोबारा स्कूल खुलने तक मेरी जेब फूल खरीदने की इजाजत देती है नहीं, भाई ये बात मुझे मालूम नहीं, इसलिए आज मैं 2 महीने के फूल एडवांस में ही खरीदने जा रहा हूँ। अरे जाने भी दीजिए ना, बालों में फूल न लगाने से कौन सा कल से सूरज उगना बंद कर देगा। आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, मेरे लिए आपकी हंसी फूलों के समान है, आपकी कही हुई बातों में फूलों से बढ़कर खुशबू है। आप उन पैसों से फूलों की बजाय सब्जी ले आइए, खाने की तो काम आएगी। ले आऊंगा। डिग्री हासिल करने पर भी राम बाबू नौकरी न हासिल कर सका, इसलिए घर घर जाकर प्राइवेट ट्यूशन करता है। सीता के पास भी डिग्री है, लेकिन उसने वक्त के साथ समझौता करके अपना घर संसार चूल्हा चौका संभाल लिया। सब लोगों के लिए दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है, मगर इन दोनों के घर हर रोज दिवाली है। पटाखों की जगह मीठी बातें करके दीप और फुलझड़ी की जगह अपना चूल्हा जलाते हैं।